हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल ICDS सुपरवाइजर एग्जामिनेशन 2019 का यहाँ पर एग्जामिनेशन हो चुका है। 1 सितंबर 2019 को, मतलब कल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ जो इसका जो क्वेश्चन पेपर था, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मैं आप लोग को 100% करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आपको पूरी तरह से जानना है कि कौन सा आप लोगों ने आंसर किया है, वो सटीक है या गलत है, तो इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो को सबसे शुरू पहले करें। एक चलिए। नंबर का क्वेश्चन जो था, ए इज द फादर ऑफ सी, जो ब्लड रिलेशन था, तो उसका जो करेक्ट आप लोग का आंसर होने वाला है वो है आप लोगों के लिए यहाँ पर ए, मतलब यहाँ पर ए वाला जो आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद जो 2 नंबर वाला था, इंडिया हैज़ अ फ्यू कंट्रीज एज अ इमीडिएट नेबर, मतलब भारत के जो आसपास के जो कंट्री है वो कितना सारा कंट्री है, तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर है 7। उसके बाद 3 नंबर में जो था, द सिंपल वैल्यू ऑफ 1000 - 999, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी होगा, 0.01। उसके बाद 4, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज, तो यहाँ पर 4 नंबर का आंसर आप लोग का होने वाला है डी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो डी नंबर वाला ऑप्शन आप लोग दिखाई दे रहा होगा, ये डी वाला ऑप्शन है आप लोग को करेक्ट है। उसके बाद 5 नंबर का जो है, तो 5 नंबर में आप लोग देख सकते हैं एक मिसिंग कैरेक्टर दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 124, मतलब डी आंसर होगा आप लोगों को। तो उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर वाला जो दिया गया है, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो ये होगा ब्रुसेल्स, ये ऑप्शन सी होगा। तो उसके बाद द इनकम ऑफ कविता एग्जिस्ट द सविता, तो इसका जो आंसर होने वाला है मतलब 7 नंबर वाला, ये होगा बी, 9/1/11%। तो उसके बाद 8 नंबर की बात करें, तो यहाँ पर एक सीरीज दिया गया था 7, 14, 28, इसी तरह से जो आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा यहाँ पर सी, मतलब 3584। तो उसके बाद 9 नंबर वाला, इन ए क्लब एवरी मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो इसका जो एग्जाम इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 9 नंबर का, ये होगा सी, मतलब 20। तो उसके बाद 10 नंबर देख लेते हैं, तो 10 नंबर में एक आप लोग को डाइस दिया गया है, तो इस डाइस को बताना है, तो इसको आप लोगों को करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2। तो उसके बाद दिया गया है जंबल लेटर देख दिया गया है 11 वाला, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इस 11 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ए। तो उसके बाद 12, द नासिक सिटी सिचुएटेड बाय द रिवर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आप लोगों के लिए ए, मतलब गोदावरी। तो उसके बाद 13 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लोकनायक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। तो उसके बाद देख लेते हैं 14 नंबर का, एन आर्टिकल वाज सोल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सी, मतलब 1250। तो उसके बाद 15 नंबर, देयर इज ए रोड ऑफ 2 मीटर्स ब्रॉड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 15 नंबर वाला आप लोग के लिए बी आंसर करेक्ट होगा, 88 स्क्वायर मीटर। तो उसके बाद 16 नंबर वाला, इफ इज एडेड टू नंबर टेन द फ्रैक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये जो 16 नंबर वाला, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 1/4। तो उसके बाद 17 नंबर, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर बाय डॉक्टर अम्बेडकर। उसके बाद 18 नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक इन द वाटर इन द वर्ल्ड, तो 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी, कैस्पियन सी। उसके बाद हु इज द वाइसरॉय इन इंडिया व्हेन क्वाइट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है लिंथो, मतलब ये जो यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया गया है वो आप लोगों का करेक्ट होगा। तो उसके बाद 20 नंबर, ऑल सरफेस ऑफ द क्यूब आर कोलर्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सी, मतलब 24। तो उसके बाद 21, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 2 डेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी आप लोगों के लिए, 6 डे। तो उसके बाद 22 नंबर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर इज लोकेटेड इन, तो इसका जो सेंटर होगा ये कोलकाता, मतलब ए। तो उसके बाद हुच रेलवे इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो उसके बाद 24, हुच कंट्री इज इन्वेंटेड द टर्म हिस्टोरिकल सोवर्जिन, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का होने वाला है वो है ए, USA। तो उसके बाद 25, फाइंड आउट द रॉन्ग रॉन्ग मैच, यहाँ पर एक रॉन्ग मैच दिया गया उसको फाइंड करना है, तो 25th वाला आप लोग का आंसर होगा बी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसका 26 का जो आंसर आप लोग का होगा, पी इज एन पॉइंट इन साइड द रेक्टेंगल ABCD, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बी। तो उसके बाद 27 को देख लेते हैं, अलेक्जेंड्रिया इज लोकेटेड बाई साइड ऑफ रिवर,
कौन सा साइड रिवर के साइड में है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइल। तो उसके बाद 28, तो 28 का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 7। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर इसका जो आप लोग का आंसर 7 होगा। तो उसके बाद 29, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो इसका जो 29 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 136। उसके बाद 30, व्हिच प्लैनेट अपीयर्स टू बी द ब्राइटेस्ट इन द नाइट स्काई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वीनस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद दिया गया है 31, इफ द नंबर ऑफ वर्क परफॉर्म बाई पी मैन, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 31 का वो होगा ए, मतलब पी डेज। उसके बाद 32, टू पाइप्स फिटेड इन अ टैंक सेपरेटली, तो इस 32 का आंसर होने वाला है आप लोगों का बी, मतलब 4 आवर्स। उसके बाद 33, द रेशियो ऑफ असम टी एंड दार्जिलिंग टी, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 33 का वो होगा डी। दोस्तों यहाँ पर मैं जो आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ ये पूरी तरह से 100% करेक्ट है। अगर कोई भी गलती आप लोगों को दिखाई देता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका सुधार भी कर दूंगा हमारे वीडियो में। तो उसके बाद यहाँ पर 34, तो 34 के बारे में बात की, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्राइस दैट ऑफ हर डॉटर, 34 का करेक्ट आंसर होगा 51 ईयर्स। तो 34 के बाद 35, व्हिच टर्म कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, तो 35 का करेक्ट आंसर होने वाला है ए, मतलब यू डब्ल्यू। तो उसके बाद 36 का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंपलीफाइड वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, उसको इसका जो आंसर होने वाला है 36 का वो होगा बी 29/7। उसके बाद 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, द कोड नेम यूज बाय द इंडियन न्यूक्लियर साइंस, इसका होगा लाफिंग बुद्धा। तो उसके बाद 38, व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल यूथ डे, तो होगा 12th of January। उसके बाद 39, इन इंडिया न्यू ऑल इंडिया सर्विस आर क्रिएटेड बाई, इसका जो करेक्ट आंसर होगा द पार्लियामेंट ऑन ए रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो उसके बाद यहाँ पर वास्को डा गामा कॉमर्स पोर्टुगीज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी। तो उसके बाद 41 का करेक्ट आंसर होगा, अरेंज द फॉलोइंग इन ए लॉजिकल ऑर्डर, इसको आप लोगों को लॉजिकल ऑर्डर में सजाना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सी, मतलब 53142। तो उसके बाद 42, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रपोज बाई, तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों का वो होगा सी, मतलब न्यूटन। तो उसके बाद 43, सिंपलिटी सिंप्लीफाई करना दिया था आप लोगों को, इस 43 का आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ए, मतलब 27। तो उसके बाद 44, तो 44 को आप लोग एक कोड लैंग्वेज दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है डी, मतलब DIPSTU। उसके बाद 45, तो इसका जो यहाँ पर भी एक करेक्ट कोड दिया गया था उसको मैच करना था, इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा वो होगा डी। तो उसके बाद 46, तो एंडस्कोप यूज बाय द डॉक्टर, एंडोस्कोप यूज बाय द डॉक्टर फॉर एग्जामिनिंग इनसाइड, तो इसका जो आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद 47, ए गुड ट्रेंड ऑफ लेंथ, तो इसका जो आप लोग का आंसर होने वाला है 47 का वो होगा सी, एक मिनट। उसके बाद 48, द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए कैपिटल रिस्पेक्टिवली, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 48 का वो होगा ए, मतलब 6%। उसके बाद 49, फाइंड द रेशियो ऑफ 20 किमीज पर आवर एंड द 20 मीटर पर सेकेंड इज, तो 49 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, मतलब 5:18। तो उसके बाद 50, व्हिच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का होने वाला है वो है बी, भकरा डैम। तो उसके बाद 61, मतलब 51, तो 51 का करेक्ट आंसर होने वाला है, इफ वाटर इन ए लेक वर टू बिहेव लाइक अदर लिक्विड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 51 का वो होगा बी, मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो उसके बाद यहाँ पर जो होगा 52 का, व्हाट डस एसएलवी स्टैंड फॉर, वो होगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद 53 का जो होगा, इफ x:y:z इज इक्वल टू 3:2:1 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है -1, मतलब सी। उसके बाद 54, व्हेन वर द ओलंपिक गेम फर्स्ट हेल्ड, 54 का करेक्ट आंसर होगा बी, इन 776 BC। तो उसके बाद 55, टू एसिड सॉल्यूशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 55 का वो होगा बी। उसके बाद लोवर म्यूजियम इज लोकेटेड इन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेरिस, मतलब सी। उसको 57, व्हिच कंट्री इज नॉट एशियन कंट्री, वो होगा माली, 57 का आंसर होगा सी। उसके बाद आगरा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, अकबर।
59 इन ए रो ऑफ स्टूडेंट की इज सेवेंथ फॉर्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 59 का वो है सी। उसके बाद 60 का करेक्ट आंसर होगा, हम लोग को यहाँ पर दिया गया है इन एन एग्जामिनेशन 25% ऑफ कैंडिडेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 60 का वो है बी। तो उसके बाद 61 की बात करें, ए फोटो साइज ऑफ 2x3 इन अनफॉर्चुनेटली, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी 6 इंच। उसके बाद चूज द ऑड वर्ड, तो इसका आप लोग को ऑड वर्ड चूज करना था, तो 62 का इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिशिगन। उसके बाद 63, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ रूटर न्यूज एजेंसी, तो 63 का आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर लंदन, वो है आप लोग का लंदन होगा। उसके बाद 64, जंबल लेटर एक दिया गया था 64 में, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है डी। उसके बाद 65, व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसको जो आंसर होगा 65 का वो है सी आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद 66, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स, तो 66 का करेक्ट आंसर होगा बी। तो उसके बाद 67 का करेक्ट आंसर होगा, एक मिसमैच कैरेक्टर दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 25। तो उसके बाद हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एसी रूट इन इंडिया, वो होगा वास्को डा गामा। तो उसके बाद दिया गया है एक ए स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ करके दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 69 का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो 69 का करेक्ट आंसर होगा ए बी एंड सी। तो उसके बाद 70 का जो करेक्ट आंसर होगा, ए वॉल क्लॉक नीड 3 सेकेंड टू स्ट्राइक 6 बेल, तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4.8 सेकेंड, मतलब डी। तो उसके बाद 71, तो 71 को एक सिंप्लीफाई दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 71 का वो है ए 0। उसके बाद 72, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक रेशियो दिया गया था रेशियो ऑफ 2 नंबर 5:7, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 72 का वो होगा यहाँ पर आप लोग का डी। तो उसके बाद 73, द यूनिवर्सिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द वाइस रॉय ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 का, तो इसका आप लोग देख सकते हैं वो है बी कर्जन। तो उसके बाद 74, तो 74 का आप लोग का करेक्ट आंसर होगा द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी, तो 74 का करेक्ट आंसर होगा सी एट 20 मिनट पुट्स 11 AM पास्ट 11। उसके बाद 75, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, तो ये दिया गया था, तो 75 का करेक्ट आंसर आप लोग का होगा डी। उसके बाद 76, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल आर इक्वल देन द कंपेयर देयर सर्कमफेरेंसेस आर, 76 का करेक्ट आंसर होगा ए 2:√π। उसके बाद 77, द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड हाइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 77 का वो होगा सी, मतलब 12। उसके बाद 78, ए कॉम्प्लीट्स 7x10 वर्क ऑफ इन 14 डेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 78 का वो होगा डी, मतलब 10 डेज में। तो उसके बाद 78, ए डायनामो व्हिच इज सेड टू जेनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका जो 79 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा अब लोग का डी कन्वर्ट टू एनर्जी, कन्वर्ट ऑफ एनर्जी। उसके बाद 80, अमोंग द सप्लाई साइड मेजर्स और टू कॉन्टेन इन्फ्लेक्शन, तो 80 का करेंट आंसर आप लोग का होगा यहाँ पर बी। तो उसके बाद 81, रोहिम एंड ट्रेवल डिस्टेंस, तो इसका जो दिया गया था 81 का, 81 का आप लोग का आंसर होने वाला है यहाँ पर ए, मतलब 26 किमी। उसके बाद 82, कालिस गोविंद एंड हरीश आर इंटेलिजेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का होने वाला है, तो उसको 81 का करेक्ट 82 का करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सी, मतलब हरिंदर। तो उसके बाद 83 का देखें, द स्टेट व्हिच विद द लो परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो इसका जो 83 का जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का वो होगा ए केरला। उसके बाद 84, 1 जनवरी 2004 वर्स थर्सडे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 84 का, तो 84 का करेक्ट आंसर होगा कि सी वेडनेसडे। उसके बाद 84, आयन वर्किंग फॉर 2 डेज एंड साइन वर्किंग फॉर 3 डेज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 85 का वो है ए, मतलब 5 डेज। उसके बाद 86 की बात करें, तो द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इन टू फॉर्म इन 2005, मतलब ए 86 का आंसर होगा आप लोग का ए। उसके बाद 87 की बात करें, तो ए वॉच सेलर फिक्स्ड इज मार्केट प्राइस, तो इसका जो 87 का करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का वो है डी। तो उसके बाद 88 की बात करें, तो एक ऑड वर्ड चूज करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88 का आप लोगों का बी, वो है पील। तो उसके बाद 89 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों के लिए
सी मतलब यहाँ पर सी आंसर होगा। उसके बाद 90, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का होने वाला है 90 का वो है डी 106। तो उसके बाद 91, कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो 90 वॉट का आप लोग का आंसर होने वाला है यहाँ पर डी मतलब 5 किमी नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद 92, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो इसका जो 92 का आंसर होगा वो होगा बी बॉम्बे। उसके बाद 93 की बात करें तो 93 का हु डिस्कवर द बैक्टीरिया, तो 93 का आप लोग का आंसर होगा यहाँ पर डी। तो उसके बाद 94, तो एक रेशियो दिया गया था इसको करना था आप लोगों को, तो 94 का आंसर होगा आप लोगों का सी। तो उसके बाद 95, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज द लाहौर सेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का होने वाला है 95 का वो है डी जवाहरलाल नेहरू। उसको 96, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया सांची बौद्धिस्ट मोनूमेंट आर सिचुएटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 96 का वो है ए मध्य प्रदेश। उसको 97, व्हिच रिवर इन वेस्ट बंगाल डिस्क्राइब्ड एज बंगाल सोरो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है दामोदर। उसके बाद 98, तो 98 का यहाँ पर दिया गया था एक लोकेट द रॉन्ग मैच, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 98 का वो है यहाँ पर बी रशिया। उसके बाद 99, तो 99 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए बोट कवर ए डिस्टेंस, तो 99 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों के लिए डी मतलब 2 किमी पड़ा हुआ। उसके बाद 100, तो 100 का यहाँ पर देखा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालय पासेस वाज रीओपन इन 2006, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नाथुला। दोस्तों ये जो आंसर मैंने आप लोग को बताया है इसमें से अगर कोई आप लोग को गलत लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको एक बार फिर से चेक कर लूँगा। दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी, कैसा लगा बेटा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।